निराशा, चिंता, भय, कुछ काम में इंटरेस्ट नहीं रहना, मज़ा नहीं आना, प्लेजर नहीं होना, खाने की इच्छा नहीं, नींद नहीं बराबर आना, ये डिप्रेशन के खास लक्षण हैं। आज करीब करीब 5 से 10% लोगों को डिप्रेशन है। वैसा तो मामूली डिप्रेशन बोला जाता है कि 25% लोगों को है। अभी इससे बचना है, ये डिप्रेशन से, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना होगा ताकि आपको डिप्रेशन ना होए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि डिप्रेशन ये हमारे दिमाग के 4 हार्मोन्स जो है उससे कमी के कारण होता है। उसमें है डोपामिन सबसे ज़्यादा महत्व का, 2 सेरोटोनिन, 3 एंडोर्फिन्स, 4 ऑक्सीटोसिन। ये 4 हार्मोन्स की मात्रा दिमाग में बढ़ जाती है, इनको फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं या हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, तो डिप्रेशन नहीं होगा। तो फिर लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, डिप्रेशन होता है तो दवाइयाँ खाएंगे, तो एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ खाते तो ठीक हो जाते हैं, या फिर हिप्नोथेरेपी है जो मैं करते रहता हूँ, सम्मोहन उपचार, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये करते हो तो फ़ायदा होता है। यूजुअली हम जब साइकोथेरेपी करते हैं ना, लोगों को बोलते हैं कि भाई आप जो चाहते हैं ना वो करो, उसमें मज़ा आएगा, जिसमें मज़ा आता है वो करेंगे तो और मज़ा आता है। फिर आप यदि लोगों के साथ में रिश्ते बनाते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, और आपके आजू बाजू में लोग रहते हैं, प्यार करने वाले लोग, अपने वाले लोग, परिवार के लोग, तो उससे भी डिप्रेशन काफ़ी अच्छा लिफ्ट हो जाता है। उसी साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना या पॉजिटिव विचार का निर्माण करना, वो बहुत जरूरी है। क्या है कि नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सबकॉन्शियस माइंड तो फैक्ट्री है नकारात्मक विचारों की। पॉजिटिव विचारों का निर्माण करना, पॉजिटिव एटीट्यूड तैयार करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ यदि आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हो और वो अचीव करते हो तो उससे बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है कि बहुत बड़ा गोल बना दिया जो अचीवेबल नहीं है और वो नहीं हुआ तो लोग डाउन हो जाते हैं, तो उससे अच्छा है छोटे छोटे गोल बनाओ, अचीव करो, मज़ा करो। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ 8 ऐसे तरीके कि जो आप अपनाते हैं घरेलू उपचार, तो उससे आपको डिप्रेशन में फ़ायदा होगा। 1, 40 मिनट की एक्सरसाइज रोज करना पसीना आने तक। 2, अलग अलग जगहों को विजिट करना जब आप मूड में डाउन हो जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में कम से कम महीने में एक बार जाते हो, एक आध दिन छुट्टी लेते हैं, 1-2 दिन छुट्टी लेके मज़ा करते हो, तो उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। 3, सनलाइट में खड़े रहना, सूरज प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में खड़े रहना और सूर्य प्रकाश लेना। 4, डार्क चॉकलेट 50 से 100 ग्राम आप लेते तो उससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा डिप्रेशन। 5, ट्रिप्टोफैन कंटेनिंग फूड्स, जिसमें ज़्यादा है चीज़, दूध, केला, खजूर, बादाम, ये खाते हैं तो इसमें ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, उससे फ़ायदा होगा। 6, पालतू जानवरों के साथ में रहना। बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हुए कि जिन जो अकेले हैं और घर में उन्होंने कुत्ता बिल्ली पाल के रखे, उसमें बहुत उनको मज़ा आता है, उनके साथ में वो खेलते हैं और जैसे कि उनके वो दोस्त हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है लोगों को पालतू जानवरों के साथ में खेलना, रहना। 7, अपने वालों को झप्पी मारना, लोगों से प्यार करना, प्यार भरी बातें करना, लोगों से मिलते हैं तो आप झप्पी मारते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, तो प्यार बांटना, उससे बहुत अच्छा लगता है डिप्रेशन। 8, मेडिटेशन और हिप्नोसिस। आप मेडिटेशन करते हैं रोज़ 10 मिनट सुबह शाम को, और उसके साथ साथ उसके बाद में हिप्नोथेरेपी करते हैं, मतलब सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं, तो उससे डिप्रेशन में बहुत राहत मिलेगी। या आप करते हैं तो आपको डिप्रेशन आया है तो निकल जाएगा या आएगा भी नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।